बाद में वो बोला कि भाई हमने चेंज को एडॉप्ट जल्दी नहीं किया, उसने वहीं दीवार पे लिख दिया एडॉप्ट टू चेंज क्विकली। जब कुछ बदल होते रहते हैं उसको हमको फास्ट एडॉप्ट करना पड़ेगा, वो हमने काबिलियत लानी पड़ेगी, फटाफट फटाफट चेंज को एडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम वो करेंगे नहीं तो प्रॉब्लम है। फास्ट चेंज को एडॉप्ट करना पड़ेगा। उसने ये भी दीवार के ऊपर लिखा कि लाइफ को सिंपल रखो, उसको ओवर कॉम्प्लिकेट और एनालाइज मत करो, लाइफ बहुत ही सिंपल है, उसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। आप उसको कॉम्प्लिकेट करेंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, उसको एनालाइज भी नहीं करना है। उसने आगे चल के वापस वो फिर से हेम को लेने के लिए गया, दीवार पे उसने लिखा परिवर्तन का सबसे बड़ा विरोधी आपके अंदर बैठा हुआ है, आपकी सोच है, वो आपको चेंज करने देती नहीं है। चेंज इज अ मस्ट, चेंज करना बहुत जरूरी है ना। और आप जब तक पुराने को छोड़ेंगे नहीं तब तक आपको बाहर का नया चीज मिलेगा नहीं। बाहर नया चीज है, आप जल्दी से समझ जाओगे या देरी से, आप जल्दी निकल गए पुराने वहां से तो आपको जल्दी मिल जाएगा, आप लेट मिल गए तो लेट। कौन ने लिखा मैं तो लेट पहुंच गया, मगर ठीक है लेट पहुंच गया तो लेट पहुंच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट आ गया तो लेट कभी नहीं, इसे देर तो भली, मैं लेट आ गया तो लेट आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर चलो आ तो गया। मगर यदि मैं जल्दी निकलता था है ना, तो जल्दी समझ में आता था तो अच्छा रहता था। बाहर हमेशा नई चीज मौजूद रहती है, चाहे उसे आप पहचान पाए या नहीं पहचान, वहां तो है ही, मौजूद तो है ही, पहचान नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है, तो कभी नहीं से देर भली, चलो लेट तो लेट। जब वो आ गया तो हॉन ने डिसाइड कर लिया कि अभी वो चीज खाने के बाद रोज देखेगा कि क्या बदल रहा है, ताकि फिर से ऐसी नौबत नहीं आए। उसको ये गलती हो गई, बोले मैंने देखा नहीं, है ना, वे चीज धीरे 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 खत्म होते जा रहा था, हमने देखा नहीं, हम गफलत में रह गए, हमको देखना था, हमने रोज चीज सूंघना था, हमने चीज सूंघाने की वो बासा हो रहा है, वो चीज भी बासा हो रहा था, चीज धीरे धीरे खत्म हो रहा था, हमने वो देखा नहीं, और इसलिए फिर हमारे ऊपर बहुत डिफिकल्टी आ गई। तो बदलाव क्या हो रहा है ध्यान रखना चाहिए और तेजी से अडॉप्ट करना होगा। तो छोटे छोटे परिवर्तन देखते रहो, सुनते रहो, ताकि बड़े परिवर्तन के लिए आप तैयार रहे। येलो अलर्ट्स, येलो अलर्ट्स मतलब है कि छोटा छोटा जो है ना प्रॉब्लम, हम क्या करते हैं उसके तरफ देखते नहीं है। समझो लड़की घर में अभी देरी से आ रही है, बोले 7 बजे आने वाली लड़की जो है ना वो 7:30 बजे आ रही है, चलो 15 मिनट आधा घंटा लेट हो गया, क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं चलता है। वो बोलती नहीं नहीं वो क्या हो गया, गाड़ी खराब हो गई इसलिए लेट हो गया। अच्छा ठीक है, फिर 1-2 दिन के बाद में वो 8 बजे आती है, छोटा परिवर्तन है, क्या हो गया, नहीं नहीं गाड़ी खराब हो गई, ऐसा हो गया, फलाना धमाका डिक रहा है, धीरे धीरे एक दिन ही भाग जाती है, मालूम ही नहीं पड़ता। वो येलो सिग्नल दे रही थी, कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है। हम क्या करते हैं कि येलो सिग्नल के तरफ ध्यान देते नहीं है। यदि मैं आज शाम को यदि मेरा पेट खराब है, थोड़ा बुखार जैसा लग रहा है, दर्द जैसा लग रहा है, तो ये येलो अलर्ट है, मेरी तबीयत कल खराब हो सकती है, तो मैंने आज ही उसके लिए कुछ करना चाहिए ताकि मैं कल फिट रहूं और तंदुरुस्त हूं। हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा चलते रहता है और फिर कल एकदम बुखार आ जाता है, बहुत बुखार आ जाता है, बोलते देखो बुखार, अरे कल तुम्हारी तबीयत कल ही खराब हुई थी, आपने ध्यान नहीं दिया। तो जो येलो अलर्ट है बहुत जरूरी है देखना, और येलो अलर्ट आप देखेंगे छोटे छोटे रहते हैं, आपको देखना पड़ेगा और वो आपको इन्फॉर्म करेंगे।